तो जब आप इसके एनुअलाइज आर ओ निकालेंगे तो आप तकरीबन ये 35 परसेंट तक प्रॉबली आप चले जाएंगे 35 फाइव परसेंट आर बन जाएगी आपकी सो दैट मीन्स दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन इसको आपको फॉलो करना चाहिए एंड दिस इज़ वाई आई बिलीव के जी कि अगर आज के दिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग सो यू नो समथिंग ऑन कैश यू शुड बाई गाइज़ सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट लेवरेज और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हाउ लेवरेज इज़ अ ट्रैप स्पेशली जब आप फॉरेक्स में सी में और स्टॉक्स तो वगैरह really में ट्रेड करते हैं तो हाउ लेवरेज कैन रियली रियोन यूर नूज दैट हाउ एवर कुछ केसेज ऐसे हैं जिसमें लेवरेज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं बड़ा सेफली और बड़े आराम से एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो मुझे नज़र आती है और जो मेरे सामने आती है दैट इज़ इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट्स होता है, यह है कि जी के एक चीज जिसकी वर्थ जो है सपोज एक करोड़ रुपया है सो लाख है वो आप बुक कर लेते हैं दस लाख दे के ठीक है अब इस सो लाख वाली चीज के अंदर दस रुपए का भी फर्क पड़ता है तो ये एक सौ दस रुपए की होती है विच इज जस्ट टेन परसेंट राइट बट आपको दस लाख रुपया दे के आपको दस लाख रुपया बच जाता है तो दिस इज वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड कि हाउ लेवरेज कैन हेल्प यू एंड दिस इज नॉट आ बैड लेवरेज बिकॉज इसके अंदर आपको नुकसान भी यस फाइन दस परसेंट नीचे आएगा तो नुकसान होगा बट द थिंग इज यू कैन होल्ड टू दिस अगर आपके पास सौ लाख रुपया है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं जो आपने इकट्ठी यकमुश नहीं देनी है तो अनलाइक द लेवरेज विद स्टॉक्स वगैरह देते हैं जहाँ पर बेसिकली अगर दस लाख रुपये नीचे चली गई माइनस में चली गई तो आपका ये दस लाख रुपया खत्म और आपका अकाउंट क्लोज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा ऑल द इंस्टॉलमेंट वन इज वन आज यू कि जी अगले जो पाँच लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आ रही है वो अगले क्वार्टर में दे दीजिएगा सो इफ यू पे दैट फाइव लाख रुपीज़ योर पोजिशन रिमेन्स स्टेबल और आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे इन थ्री ईयर्स टाइम सो फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स टेक एन एग्जाम्पल सो वॉट हैपन्स आपने दोबारा से एक सौ लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी राइट right? अच्छा अब इसके आपने दस लाख रुपया पे किया एक साल तक वन ईयर के अंदर आपने इसका फोर इमेजिन ट्वेंटी फाइव लाख रुपीस पे किए अब यू हैव ओनली पेड ट्वेंटी फाइव रुपीस रुपीज ये प्रॉपर्टी जो है ये कंसीडर तो एक करोड़ रुपए की हो रही है ऑल दो यू आर पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स और अगर यहां पर सिर्फ तो दस रुपए का बीस रुपए का भी फर्क पड़ता है तो यू आर मेकिंग लाइक थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ योर कंप्लीट इन्वेस्टमेंट विच आर मेड हा इसके अंदर भी इतना आसान नहीं है देर सर्टन एरिया जहां पर आप प्रीमियम देख कर चीजें देखें फाइल्स में अक्सर आपने देखा है कि जी प्रीमियम ऐड हो गया प्रीमियम दैट इज हाउ पीपल मेक मनी फ्रॉम दो फाइल्स ट्रेडिंग और उसके अंदर बहुत एक्सपोनेंशियल पैसा कमाया जाता है कि जनाब आप, आप बुक करते हैं दस लाख रुपए की दस लाख रुपए उसके ऊपर प्रीमियम चला गया आपने हंड्रेड परसेंट पैसा जो है ना वो कमा लिया दैट इज पीपल लव इट सो मच हाइवर गैम्बल होता है इसके अंदर वो दस परसेंट नीचे भी जा सकता है या कुछ टाइम भी लेकिन प्रॉपर्टी में इन जनरली यू आर सेफ बिकॉज यू आर होल्डिंग टू तो एन एसेट विच इज गिव यू वैल्यू ओवर टाइम एंड इन टू ईयर्स टाइम अगर आपने पचास लाख रुपया दिया है और प्रॉपर्टी जो है वो पच्चीस लाख रुपया सो so यू हैिवन फिफ्टी लाख रुपीज राइट right? एंड प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर एक सौ पच्चीस लाख की होगी सो so इसको हम दोबारा से थोड़ा सा कह लेते हैं सो so दस लाख रुपया दिया एंड प्रॉपर्टी जो है वो यह हंड्रेड लैक्स की प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी जो है वो लेट सपोज़ 105 की हो गई जब आपने 25 लाख रुपए जमा कराया है और वो प्रॉपर्टी जो है वो 115 की हो चुकी है जब आपने 50 लाख रुपया इन टू इयर्स लेट सपोज़ हम इमेजिन करते हैं आपने जमा कराया है और वो प्रॉपर्टी जो है 125 लाख की हो चुकी है सो टेक्निकली इन टू ईयर्स टाइम अगर आपने इसको दो सत लगा लें तो यू हैव मेड फिफ्टी प्रॉफिट एंड दैट अमाउंट्स टू ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन एम अप्रॉक्सीमेटली और ये ट्वेंटी फाइव परसेंट पर एन एम से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप ये पचास लाख रुपया इकट्ठा नहीं जमा करा रहे हैं ये पचास लाख रुपया अभी आप इंस्टॉलमेंट में जमा करा रहे हैं तो जब आप इसके एनुअलाइज्ड आर ओ आई निकालेंगे तो आप तकरीबन ये थर्टी फाइव परसेंट तक प्रॉबली आप चले जाएंगे थर्टी फाइव परसेंट आर ओ आई बन जाएगी आपकी सो दिस इज़ आई एम नॉट श्योर वी थोड़ा सा फिगर ऊपर नहीं हो सकते मैंने भी इस अंदाजा लगाया सो so, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना कीजिएगा चेक कर लीजिएगा थर्टी टू थर्टी फाइव के पास आपकी आर ओ ही बन जाएगी सो दैट मीन्स दैट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेन इसको आपको फॉलो करना चाहिए एंड दिस इज़ वाई आई बिलीव के जी कि अगर आज के दिन आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग यू नो समथिंग ऑन कैश अफ प्रंट यू शुड बाई समथिंग ऑन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट्स को न पे यू मच मैटर returns. However, यू हैव टू सी कि उस चीज़ की पर्टिकुलर प्राइस क्या है क्योंकि सम प्रोजेक्ट्स आउट देयर जिनकी वैल्यू शायद यू uh, नो you know, सो लाख है राइट right? बट वो अपने आप को अभी भी 125 लाख पे बेच रहे हैं तो इन चीजों में फिर वैल्यू नहीं बढ़ेगी सो so, यस yes, कुछ उसके रूल जरूर हैं कि किस इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए बट इफ यू है फाउंड अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट गुड इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट और उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे यू कैन यूटिलाइज लिवरेज फॉर योर बेनिफिट राइट फॉर बेनिफिट राइट रदर देन इंजॉइंग लिवरेज इन अदर प्लेसिज इंस्टॉलमेंट गिव योर लिवरेज इन रियल सेट एंड दैट्स अ बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ फॉर योर सेल्फ और फॉर योर वेल्थ क्रिएशन सो गैज राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जिनके एटलीस्ट आप दो से तीन साल जो है ना आप होल्ड कर सकते हो या इंस्टॉमेंट्स दे सकते हैं लेट मी टेल यू यू गोना बी रिवॉर्डेड इन 2025, 2024, ट्वेंटी मे बी ट्वेंटी एंड ट्वेंटी ट्वेंटी यू विल हैव ह्यूज रिवॉर्ड्स और ये सारा जो लॉस और सारी जो चीज़ें आपको ये पिछले एक दो साल में आपकी जो वेल्थ नीचे गई है डॉलर के अप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से वो इन श्ला तला अगले दो तीन सालों में आप रिकवर कर लेंगे बट अगर आप पैसा लेके बैठे रहेंगे होल्ड करते रहेंगे या गोल्ड ले, ले लेंगे या चीज़ें इस तरह की कर लेंगे या डॉलर पकड़ लेंगे इस स्टेज पे आके Then I think you will be at loss. Thank you very much and a laugh